प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारा चैनल आपके लिए रियल एस्टेट में ट्रेनिंग, रियल एस्टेट में बेस्ट एडवाइस देने का काम करता है और मैं हूं राजवंत सिंह माली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक बहुत यूनिक टॉपिक मैंने लिया है वीडियो के लिए, वो ये है हर एक आदमी या ये समझ लो कि हर तीसरा आदमी किसी ना किसी को दोष देता है। ज़्यादातर सरकारों को दोष देते हैं या नेताओं को दोष देते हैं कि ये सब ठग इकट्ठे हुए हैं, हमें लूट रहे हैं। ठीक है, सरकारें भी लूट रही हैं, नेतागण जो हमारी हैं वो भी ईमानदार नहीं हैं, लेकिन लूटा किसको जाता है? लूटा उसको जाता है जो अपने आप को होशियार बनाने में नाकामयाब होता है। होशियार का मतलब ये नहीं कि हमने लोगों के साथ चुस्ती चलाकी यूज़ करनी है, होशियार का मतलब है कि आपके पास पर्याप्त नॉलेज तो हो कि हमें पता लग सके कि सामने वाला बंदा हमें लूट रहा है या सामने वाला बंदा हमें कोई और किस तरीके से हमें डील कर रहा है। पता कैसे लगेगा? पता लगाने के लिए यदि हम सारे सिस्टम को दोष देने की बजाय खुद को दोष दे लें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। वो कारण, जो आदमी सीखना ही नहीं चाहता, लर्न करना ही नहीं चाहता, कुछ चिंतन मंथन करना ही नहीं चाहता, वो आदमी मूर्ख या बुद्धू उसको कहा जा सकता है। और जो आदमी बुद्धू हो उसको रेलवे स्टेशन पर भी, बस स्टैंड पर भी, जहाँ भी दो आदमी मूर्ख बना के लूट लेते हैं उसको। अंबाला से कोई आदमी आया था महीना डेढ़ महीना पहले कोई कंसल्टेंसी के लिए, उस आदमी ने इतनी गलतियाँ की हैं, वकील ने भी उसको मतलब उलझा लिया, वकील दूसरे वकील के साथ मिल गया, पता नहीं उसका कितना ज़्यादा नुकसान करा है। नुकसान क्यों कर पाया? क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं थी। अब हम दोषी हैं, इसी बात के लिए हम दोषी हैं, सरकारें दोषी नहीं हैं, हम दोषी हैं। क्यों दोषी हैं? क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है, जो हमारी रुचि है, वो ही गलत कामों पर लगी हुई है। मैंने ये इसीलिए लिखा, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स, दो चीज़ों के बारे में मैंने कंपैरिजन करना चाहता हूँ। बैड हैबिट्स हमारे में इतनी ज़्यादा है, अब डिस नंबर बैड हैबिट्स, पहले बैड हैबिट्स की बात करता हूँ। नंबर वन, डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स। हर एक आदमी पॉलिटिक्स को एनालिसिस करके बता रहा है। इन दिनों में पंजाब में इलेक्शन हुए, मैं कह रहा हूँ हर तीसरा आदमी, वैसे तो यह हर एक आदमी इस बात पे ध्यान रख रहा है कि कौन आदमी जीत रहा है, कौन आदमी हार रहा है, क्या पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। पार्टी के ऊपर इस तरीके से उन्होंने बाज अंक बनाई हुई है कि जैसे इलेक्शन वो खुद ही लड़ रहे हों। अनहेल्दी डिस्कशन में दो दो तीन तीन घंटे खराब कर देते हैं। हमारे पास टाइम 24 घंटे ही हैं, 24 घंटे में हम अपना टाइम कितना ख़राब कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन है। आप वो चीज़ को बताओ, यदि आप उस चीज़ को बचाने में कामयाब हो जाओगे तो आपके पास लूटने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। पॉलिटिक्स के ऊपर हम बात करते हैं, पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं जी, फलाना मंत्री ये कर रहा है, फलाना प्रधानमंत्री ये कर रहा है, फलाना मुख्यमंत्री ये कर रहा है। यार कर रहा है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सुनने की बात ही कर रहे हैं। यदि हम सीरियस हों, सुन की बातें सुनने के बाद हम क्या करें? हमें नॉलेज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? यदि हम नॉलेज लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमारी लूट इसी तरीके से होती रहेगी, इसमें कोई बंदा बचा ही नहीं सकता। सामने वाले बंदे की जेब काटनी हो, वो होशियार ना हो, जेब खतरा होशियार हमेशा रहता है, सामने वाले बंदे से ज़्यादा होशियार रहता है। सामने वाले बंदे को तो पता ही नहीं कि मैंने मेरी जेब कट जाएगी, लेकिन जेब खतरे को तो पता मैंने इसकी जेब कटनी है। चोर आदमी उससे ज़्यादा सतर्क रहता है बजाय दूसरा साधारण आदमी के। तो ये आदमी ये इसी तरीके से चलेगा। यदि हम अपने आप को विजिलेंट ना किया, अपने आप को आगे बढ़ने में एजुकेशन ना ली। अगली बात मैंने लिखी है इसमें, स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन अनहेल्दी वीडियोस। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वैसे अफसोस भी क्या है,
हमारे में से 95% लोग सॉन्ग्स की वीडियो, कॉमेडी की वीडियो, कोई और इस तरीके की टाइम पास वीडियो इतनी ज़्यादा देखते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि 2 घंटे कब निकल गए, 3 घंटे कब निकल गए। कई बंदे तो एडिक्ट हो चुके हैं उसके लिए कि वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे ऐसा कंटेंट देखते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रहता, और फिर हम चीखे मारते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। कपिल शर्मा का शो हो या कोई और हो, कोई सिंगर का हो, उनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर है। और जो आदमी आपको एजुकेशन देना चाहता है, जो आदमी आपके अंदर एनलाइटनमेंट करना चाहता है, जो आदमी आपको जगाना चाहता है, उसके व्यूज़ 3000 से ज़्यादा नहीं है। तो हम वी आर फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ, हम ही गलत ट्रैक पर चढ़े हुए हैं। एक छोटू दादा करके चैनल है कोई, तो उसके हमने वीडियो देख रहे थे कल, उसके 1.5 बिलियन व्यूज़ हैं एक वीडियो के, और किसी पे उसके 250 मिलियन, किसी के 300 बिलियन, किसी के कितने बिलियन। वो क्या है कि हम लोग टाइम पास करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय सीखने के। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो सामने वाला बंदा तो हमें ठगेगा ही ठगेगा। अब आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, यदि आपके पास नॉलेज कम होगी तो सामने वाला बंदा तो बुद्धू बनाने की कोशिश करेगा ही करेगा। ये आप बनेंगे ही बनेंगे यदि आपके पास नॉलेज ना हुई। एनलाइटनमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैंने लिखा है नॉट गेटिंग नॉलेज, किसी को पढ़ने का शौक नहीं, किसी को बड़े आदमी के साथ बैठने का शौक नहीं, किसी को जो इंटेलेक्चुअल बंदे उनके साथ बैठने का शौक नहीं, तो नॉलेज लेनी नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिर सरकारों को ही दोष देंगे। याद रखो वो ही जो पेड़ है वो ही उखाड़ा जाता है, उखड़ जाता है अंधेरी में, जिसकी जड़ें कमज़ोर होती हैं, और दोष लगता है कि अंधेरी ने उखाड़ दिया। अंधेरी नहीं उखाड़ती, उसकी जड़ें कमज़ोर हैं तब जाके उखड़े उखड़ता है वो। जो आदमी अपनी ज़िंदगी में पैसे कमा के पैसे उसके ख़राब कर लेता है और कर लेता है, वो अपने दोस्तों पर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर लांछन लगाता है कि यार मेरे तो, मैं तो बहुत समझदार था, लेकिन मेरे तो मेरे भाई ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को लूट लिया, मेरे को मूर्ख बना दिया। कोई किसी को मूर्ख नहीं बनाता, हम मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं तभी हमें मूर्ख बनाया जाता है। कोई नॉलेज नहीं लेनी, तो नॉलेज नहीं लोगे तो फिर पंगा हो गई होगा ना, हम जंगल के रास्ते में चले गए, रास्ते का हमें नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं भटक गए, तो कहीं तो फिर हम कहीं ना कहीं गिर जाएंगे, खराब मतलब कहीं फंस जाएंगे, कोई शेर का आ जाएगा, कोई और जंगली जानवर आ जाएगा जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद ब्लेमिंग अदर्स, दूसरे लोगों को हम ब्लेम करते हैं कि यार इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया। कई तो हम जो यंगस्टर हैं वो माँ बाप को ही कहते हैं कि यार माँ बाप ही नहीं हमें तो काम करने देते, हमारे दोस्त ही नहीं काम करने देते। वो यार माँ बाप की परमिशन आप लेके काम करते हो, करो, लेकिन जब आप बुरे काम करते हो, बुरी आदतें डालते हो, तो क्या माँ बाप की परमिशन लेते हो? यदि हम ख्वाजा अहमद अब्बास की एक किताब थी, यदि मैं उस किताब का रेफरेंस दूं, तो वो ख्वाजा अहमद अब्बास ये कहते हैं कि कोई भी आदमी अपने माँ बाप का पूर्ण भक्त हो ही नहीं सकता, यदि हुआ होता तो हम आज भी कच्चे घरों में रहते, पत्तों से अपना तन ढकते और कच्चा मांस खा रहे होते, हमारी डेवलपमेंट ही नहीं हो सकती थी। हमने माँ बाप को इग्नोर किया है, माँ बाप की बात को इग्नोर किया है, तब जाके हमने तरक्की की है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अपने माँ बाप को इग्नोर करो, यदि माँ बाप की और आपकी सोच में थोड़ा फर्क है तो बैठ के हेल्दी डिस्कशन करो, अपने माँ बाप को कन्विंस करो कि मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं इस तरीके से ठीक हो सकता हूँ। जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपके पास ज्ञान है, वो आपके माँ बाप के पास हो सकता ना हो। मैं अपने फील्ड का मास्टर हूँ, मेरे बच्चे और किसी फील्ड के मास्टर हैं, तो फिर मैं उनको कैसे कह सकता हूँ कि नहीं, मैं तो, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है, बताओ क्या करना है यार, बताओ क्या करना है। ख्वाजा अहमद अब्बास की जिस दिन के मैंने किताब पढ़ी है, वो किताब ने मेरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जब मैंने किताब पढ़ी थी, तब मैं 18-19 साल का था, तो मैंने अपने माँ बाप को भी मतलब ज़्यादा वो नहीं करा कि उनकी सारी 100% बातें माननी है। हमें पता है वो
घर में काम करते थे, मतलब खेती का काम करते थे, छोटा मोटा काम करते थे, हम बाहर निकल गए तो हमारी नॉलेज उससे ज़्यादा ही है थोड़ी, तो ज़्यादा है तो हमने बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट पेरेंट्स को कन्विंस किया कि हम ये करना चाहते हैं, ये करेंगे, इस तरीके से होगा। ठीक है, पहले पहले नहीं होता था, लेकिन जब मैंने पहली गाड़ी स्कॉर्पियो ली थी और अपने फादर साहब को सीट पर बिठाया था, उस दिन मेरे फादर ने मेरे को जब फीट डाली थी कि यार मैं तो अभी तक तेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं था मेरे में कि तू इतना ऐसा काम कर लेगा। तो जब गाड़ी लेके गया, पेरेंट्स को फादर को गाड़ी की चाबी दे के बीच में बैठा दिया, हालांकि उनको चलानी नहीं आती थी। तो ये सिंपल ब्लेमिंग या अदर्स, ये भी नहीं करना कि हमें उसने ये नहीं करा वो उसने नहीं, आपने घोड़े की तरह जैसे वो घोड़े के खोपे लगे होते ना आँखों पर, उस तरीके से ही चलना है, आसपास देखना ही नहीं, चलते रहो, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। यदि आप चलते रहोगे तो डेफिनेटली आप अचीव करोगे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो। मैंने ये लिखा हैबिट्स ऑफ डोपामाइन, डोपामाइन क्या, हम कभी मोटिवेशनल वीडियो, कभी कुछ तरीके की, कभी जो हमने आके दोस्त ने बोल दिया दो दिन के लिए, चार दिन के लिए कि ये कर लो, वो करना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर ढीले पड़ गए। कंसिस्टेंटली हम कोई काम करते नहीं हैं, कंसिस्टेंटली करना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। वेस्टेज ऑफ टाइम इन पार्टीज, कई बार हम शाम को बैठते हैं विस्की पीने वालों के साथ, ताश खेलने वालों के साथ, कोई और गप्पे मारने वालों के साथ, हम घंटे घंटे ख़राब कर देते हैं। यदि यही टाइम हमने एजुकेशन के ऊपर लगाया हो, यदि यही टाइम हमने अपने ऊपर लगाया हो, इन्वेस्ट किया हो, तो ये हम हमें दोष देने की ज़रूरत नहीं है। हमें वही आदमी लूटेगा जिसकी नॉलेज हमारे से ज़्यादा होगी, जिसकी नॉलेज हमारे से कम होगी, हमें लूट ही नहीं सकता। तो गुड हैबिट्स में मैंने ये लिखा, गुड हैबिट्स में क्या है, डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, आपको फाइनेंशियल मैटर के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए। आपको ट्रू एजुकेशन ऑन पीपल मैनेजमेंट, देखो ट्रू एजुकेशन लिखी मैंने, असली जानकारी क्या है, पीपल मैनेजमेंट की है, लोगों से काम कैसे लेना है, लोगों के साथ रिलेशन कैसे बेटर करने हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते कैसे निभाने हैं, पीपल मैनेजमेंट में आ गया। एंगर मैनेजमेंट में आ जाएगा कि अपने गुस्से पर कंट्रोल कैसे करना है, सामने वाला बंदा आपको गुस्सा दिला रहा है, उसको जज कैसे करना है कि ये आदमी हमें गुस्सा दिला के हमारे से कोई गलत काम करवाना चाहता है, ये भी जजमेंट आपको होनी चाहिए। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आ जाती है। अब आप अदालत में जाते हो, अदालतों में जजों के सामने वकील एक दूसरे को प्रोवोक करते हैं कि गुस्सा आ जाए और ये बात बोल दे, और वो बात को पकड़ के वो पॉइंट ऑफ पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड वो बोल देते हैं कि ये देखो ये इसने ये बोल दिया। तो वहाँ पर जो मर्जी किसी को बोलता है, वो वकीलों की कोशिश होती है कि मैं इसके बहकावे में, इसके प्रोवोकिंग्स जो स्टेटमेंट हमें दे रहा है उसमें आके प्रोवोक नहीं होना, हमने एक्साइटमेंट ना आए, ये वकीलों की कोशिश रहती है। उसके बाद फिर मैंने लिखा टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में भी आपने देखना है कि किस तरीके से आपके पास टाइम है, बेस्ट टाइम कौन सा होता है आपका जो लोगों में इन्वेस्ट किया जाता है। हमारे पास 24 घंटे ही हैं, चाहे हम शराब पी के खराब कर लें, ताश खेल के कर लें, चाहे डोपामाइन अदर को एक दूसरे को ब्लेम करके कर लें, हम वीडियो देख के, कोई पोर्न देख के हम अपना खराब कर लें, जो मर्जी करो, है 24 घंटे ही हैं, ज़िंदगी उतनी ही है, लेकिन आपने देखना है कि आपका टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट होता है और कहाँ पर वेस्ट होता है। यदि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे अपने ऊपर तो उसके रिजल्ट बहुत ही वंडरफुल रहेंगे। वन मिनट मैनेजर में जो स्पेंसर जॉनसन की बुक है उसमें उसने यही लिखा है कि आपका बेस्ट टाइम वही है, बेस्ट मिनट वही है। वन मिनट मैनेजर में यही लिखा है, बेस्ट मिनट आपका वही है जो आपको, जो आप अपने दोस्तों में, अच्छे दोस्तों में इन्वेस्ट करते हो। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, ओनली अप्लाइड नॉलेज इज पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर का मतलब जो नॉलेज हम ले लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं, वो वहाँ से हमें कॉन्फिडेंस आता है। अप्लाइड नॉलेज इज पावर, हम तो नॉलेज नॉट गेटिंग प्रॉपर नॉलेज, हम तो नॉलेज ही नहीं ले रहे, अप्लाइड नॉलेज कहाँ से आ जाएगी। अप्लाइड नॉलेज, नॉलेज लेके उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई कर दोगे आपको उसका मतलब प्रोज एंड कॉन्स सब पता लग जाएंगे, अच्छा बुरा पता लग जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो वो जो नॉलेज है आपकी पावर बन जाएगी। किताबी नॉलेज इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकती, ठीक है होती है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल तजर्बा कर लेते हो तो वो नॉलेज ही असली आपके पास सामने आती है।
पानी ठंडा है आग गर्म है, पानी ठंडा आग गर्म है, यदि हम रट्टा लगाएंगे तो कई बार ऐसा हो जाएगा पानी गर्म है आग ठंडी है। जब किसी की उंगली पकड़ के आग में लगा दोगे तो उसके ऊपर उंगली पर छाला पड़ जाएगा, तो वो कभी भी नहीं भूलेगा कि आग ठंडी है आग गर्म है, वो ये कभी नहीं भूलेगा, ये कभी नहीं कहेगा कि आग ठंडी है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज है, अप्लाइड नॉलेज इज ऑलवेज पावर। दोस्तों किसी को दोष नहीं देना यार, हम अपने आप को दोष दो, मैं अपने आप को दोष देता हूँ, मैं अपना टाइम ख़राब करता हूँ। तो टाइम ख़राब करने से बचाने के लिए ये जो बैड हैबिट्स हैं इनको क्विट कर दो, और ये जो गुड हैबिट्स हैं इनको अपनी ज़िंदगी में उतार लो, तब जाके आपका भला हो सकता है, आप तरक्की कर सकते हो, आप अपने लिए कुछ कर सकते हो, अपने माँ बाप के लिए कर सकते हो, परिवार के लिए कर सकते हो, अपने समाज के लिए कर सकते हो, अपने सूबे प्रांत के लिए कर सकते हो, अपने देश के लिए कर सकते हो, एक ओवरऑल दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, और ये टॉपिक अच्छा लगे वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, इसके ऊपर चर्चा भी करना, ज़रूर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और कोई आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, आपने नए सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में, बहुत जल्द आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे हम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हमने इंडिया को बहुत आगे लेके जाना है, मेरे को आपके साथ की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, राजवंत सिंह माली।